हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिटीज वेंचर। मेरा नाम धवल ठक्कर। आज मैं आपके सामने जो स्टॉक लेकर आया हूँ वो स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी साउंड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है इमामे लिमिटेड। आपने सभी ये स्टॉक के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व है, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट के बारे में और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में और पर्सनल केयर के बारे में, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप फैमिलियर रहोगे इस कंपनी के थ्रू, जैसे कि जंडू बाम है, बाद में फेरन हैंडसम क्रीम है, नवरत्न है, बोरो प्लस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपनी के अंदर अगर मैं देखने जाऊँ तो कंपनी का जो मार्केट कैप है, 17,099 करोड़। मतलब एक लार्ज कैप कंपनी में मानूंगा इसको फंडामेंटली। इसलिए मैं आपको स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इसके आरओई के ऊपर अगर नज़र डालने जाओगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, कंपनी जो है फिलहाल अभी जो कंपनी का मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ वो हिसाब से वो डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का अगर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर मैं देखूं तो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल का 16% का है और 3 साल का 38% का है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अगर मैं देखूं कंपनी का, अगर मैं आरओई अगर मैं देखने जाऊं तो गए 5 साल का 23% है और गए 3 साल का 27% है और पिछले 10 साल से 28% है रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो काफ़ी अच्छा बना जाएगा। कंपनी का फिलहाल जो है करंट रेट जो कंपनी का चल रहा है 387.95 पकड़ लेते हैं हम यहाँ पर। और ये स्टॉक हाई में 667 तक में हाई गया था और अभी यहाँ पर कम से कम 40-50% करेक्शन के ऊपर ये स्टॉक मिल रहा है। और जैसा कि आप हमेशा जानते हो कि मैं हमेशा ऐसी स्टॉक ढूंढ के लाता हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर हमें डिस्काउंट वैल्यू पे मिले, क्योंकि मैं चढ़ते स्टॉक को बाय करने में बिल्कुल नहीं मानता। और यहाँ पर अगर मैं इसके सेल्स के बारे में अगर मैं नज़र करने जाऊँ, सेल्स के बारे में और नेट प्रॉफिट के बारे में अगर मैं आपको बताने जाऊँ, तो 2018 में इसका जो सेल्स 2530 करोड़ रुपए का था, उसी के कंपैरिजन में 2022 के अंदर इसका जो सेल्स है 3192 करोड़ का है। और एक जो अच्छी बात है, एक गुरु इसके अंदर नेट प्रॉफिट की जो बात है, क्योंकि कंपनी हमेशा नेट प्रॉफिट से मानी जाती है, जो नेट प्रॉफिट की बात है कंपनी के अंदर, वो कंपनी में 2018 में जहाँ पर 307 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, उसी के कंपैरिजन में अगर आज आप अगर देखने जाओगे तो 851 करोड़ का मतलब उसका नेट प्रॉफिट है। मतलब गए 4 साल के अंदर उसके नेट प्रॉफिट के अंदर 2 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और अगर स्टॉक यहाँ पर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये टेक्निकली अगर देखने जाएंगे तो ये स्टॉक करेक्शन के बाद में एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, 380 के आसपास का इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब मेरा जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो मेरा इंटरेस्टिंग फैक्टर हमेशा से मैं जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ उसके ऊपर मैं आपको आपकी नज़र थोड़ी डालने के लिए मैं कहूँगा, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर अगर आप देखने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 54% का जो होल्डिंग है वो प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पर। और सेकेंड थिंग अगर आप देखने जाओगे तो 11% के होल्डिंग की जो है वो 11% FIS की इसके अंदर होल्डिंग बना के रखी हुई है और 27% जो है यहाँ पर DIS की होल्डिंग बना के रखी हुई है। मतलब FIS की 11% की होल्डिंग है, DIS की 27% की होल्डिंग है। मतलब डेफिनेटली ये स्टॉक मतलब कहीं ना कहीं एक फंडामेंटली ड्रिवन स्टॉक है। हाँ, मतलब आपको ये स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी अफरा तफरी देखने नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप ये स्टॉक अगर यहाँ पर एक छोटी सी 5,000 रुपये की एक अगर एक स्टॉक SIP अगर आप करके रखोगे यहाँ पर, तो मेरा मानना है कि आने वाले 1 साल के अंदर अगर ये कंपनी ने अगर 2 रिजल्ट भी अगर प्रॉपर अगर इसे डिलीवर कर दिए तो आपको यहाँ से 25-30% का रिटर्न ये कंपनी के अंदर कहीं नहीं गया। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी के अंदर आपको एक छोटी सी 5,000 की SIP करके चलनी चाहिए। हर बार मैं 2,500 की SIP देता हूँ, लेकिन ये कंपनी का जो स्टॉक है यहाँ पर फंडामेंटली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। टेक्निकल भी अगर मैं देखने जाऊँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन पे आया हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर आया हुआ है, ऑलमोस्ट 40-45% करेक्ट करके। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कीजिए एक 5,000 रुपये की छोटी SIP के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।